माइंड, सर्दियों का जो सीजन होता है, सर्दियों का जो मौसम होता है, उसमें आप अपने बालों को बहुत जल्दी लंबा कर सकते हैं, क्यों, है ना, अच्छी बात, एज कम्पेयर टू समर और मॉनसून। उसका रीज़न ये है, सर्दियों के सीज़न में चिपचिपाहट कम रहती है जिससे आपके बाल कम झड़ते हैं। पर क्या करें फ्रेंड्स, बहुत सारे ऐसे फैक्टर भी होते हैं जो कि हमारी हेयर ग्रोथ में रुकावट बनते हैं सर्दियों के सीज़न में, जैसे कि इन्फेक्शन हो गया स्काल्प पर, या फिर डैंड्रफ की प्रॉब्लम, ईचीनेस की प्रॉब्लम, स्प्लिट एंड्स, और बाल बहुत ज़्यादा रफ और बेजान हो जाते हैं क्योंकि प्रॉपर मॉइस्चराइजेशन नहीं मिलता है बालों को। पर डोंट वरी, इस वीडियो में मैं आपके साथ एक नहीं पूरे 10 हैक शेयर करने वाली हूँ जिससे कि आप इस विंटर सीजन में अपने बालों को ग्रो कर सकते हैं लाइक नेवर बिफोर, प्लस अपने बालों को मैनेजेबल बना सकते हैं, देखने में आपके बाल बहुत ज़्यादा सुंदर लगेंगे और उनको पूरा पोषण मिलेगा क्योंकि बहुत सारी वेडिंग भी हमें अटेंड करनी है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो, डोंट स्किप इट, बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो है, लेट्स गेट स्टार्टेड। सर्दियों में नॉर्मल ऑयलिंग से बिल्कुल भी काम नहीं चलेगा, आपको फॉलो करना पड़ेगा हॉट ऑयल ट्रीटमेंट। उसके लिए आप कोई भी अपने पसंद का ऑयल ले लें, जैसे कि आलमंड ऑयल हो गया, कोकोनट ऑयल, ऑलिव ऑयल, मस्टर्ड ऑयल, या फिर आप इन सबको मिक्स करके एक परफेक्ट ब्लेंड भी बना सकते हैं। उसको आपको क्या करना है, गर्म करना है डबल बॉयलर प्रोसेस की हेल्प से, यस, फिर आप उसको अच्छे से अपने स्काल्प, हेयर लेंथ और टिप्स पर अप्लाई कीजिए, मस्त मसाज दीजिए 10-15 मिनट के लिए। अगर आप नॉर्मल ऑयल से हेयर ऑयलिंग करते हैं और गर्म ऑयल से हेयर ऑयलिंग करते हैं तो आपको हॉट ऑयल वाले से डबल फ़ायदा मिलता है। तो आपको क्या करना है, सर्दियों में हॉट ऑयल से ही हेयर मसाज करनी है, ये आपके बालों के टेक्सचर को भी इम्प्रूव करता है, प्लस आपके स्काल्प के पोर्स को ओपन करके अंदर तक नरिशमेंट देता है जिससे हेयर ग्रोथ प्रमोट होती है। तो आपको नॉर्मल ऑयलिंग नहीं करनी है, हॉट हेयर ऑयलिंग करनी है इन दिस विंटर सीजन। ऑयलिंग के अमेजिंग बेनिफिट पाने के लिए आप एक और स्टेप उसमें इंक्लूड कर सकते हैं, दैट इज स्टीमिंग। स्टीमिंग तो आपको पता है, चाहे फेस के लिए हो चाहे बालों के लिए हो, दोनों के लिए बहुत अच्छी रहती है। तो आपको क्या करना है, एक बाउल लेना है, उसमें पानी लेना है, पानी को थोड़ा सा गर्म कर लीजिए, ठीक है, फिर उसके बाद आपको कोई भी कॉटन दुपट्टा उसमें डिप कर लेना है, उसको निचोड़ना है, देन अपने स्काल्प पर अच्छे से रैप कर लेना है। ये प्रोसेस आपको 3 बार करना है, इसको करने में अराउंड आपको आधा घंटा लगेगा। इससे क्या होगा, आपके स्काल्प के जो पोर्स हैं वो खुल जाएंगे और जो तेल है अच्छे से पेनिट्रेट होगा आपके स्काल्प में, जिससे आपके स्काल्प को प्रॉपर नरिशमेंट मिलेगा, न्यू हेयर ग्रो होंगे, प्लस जो एग्जिस्टिंग हेयर है उनको स्ट्रेंथ मिलेगी। सर्दियों में डैंड्रफ और फंगल इन्फेक्शन की जो प्रॉब्लम है बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, अगर आपने उसको सही टाइम पर ठीक नहीं किया तो वो सीवियर में भी कन्वर्ट हो सकती है, क्योंकि जहाँ पर डैंड्रफ लगता है और बढ़ते बढ़ते डैंड्रफ आपके बालों को बिल्कुल जकड़ लेता है, और जिस जगह वो लग जाता है ना, उस जगह के सारे बाल जड़ से निकाल के छोड़ता है। ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है जिसको मैंने आपके साथ शेयर किया था माई हेयर लॉस स्टोरी में। तो आप क्या कर सकते हैं, डैंड्रफ के लिए आपको यूज़ करना है हेयर स्क्रब। इसको बनाना बहुत ज़्यादा आसान है, किचन में बहुत सारे ऐसे इंग्रेडिएंट हैं जिससे कि आप स्काल्प स्क्रब बना सकते हो। आपको एक बाउल लेना है, बाउल में आपको ऐड करना है 3-4 स्पून शुगर, शुगर तो सबके घर पर होती ही है। नेक्स्ट आपको उसमें ऐड करना है एलोवेरा जेल, एलोवेरा जेल घर का हो या फिर बाहर का कोई भी अवेलेबल हो तो आप उसमें ऐड कर सकते हैं। देन आपको उसमें ऐड करना है हनी, हनी के बाद आप कोई भी ऑयल, जैसे कि मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ कैस्टर ऑयल, एंड देन फ्यू ड्रॉप्स ऑफ टी ट्री एसेंशियल ऑयल, अच्छे से मिक्स कर लीजिए और आपका स्काल्प स्क्रब तैयार है। बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है आपके स्काल्प को हेल्दी रखना, तो जब भी आप नहाने के लिए जाएं, शैम्पू करने के लिए जाएं, उससे पहले आप अपने स्काल्प पर इस स्क्रब को अप्लाई कर लीजिए एंड 10-15 मिनट या फिर 5-10 मिनट हल्के हाथों से एक्सफोलिएट कीजिए, जिससे जो भी इन्फेक्शन होगा, जो भी डैंड्रफ होगा, वो सब आपके स्काल्प से अलग हो जाएगा, और जब आप हेयर वॉश करेंगे ना तो वो पानी के साथ बह जाएगा। विंटर में हेयर वॉश करने की अलग अलग मिथ होती हैं, बहुत सारे लोग ऐसे बोलते हैं कि सबसे पहले आपको गर्म पानी डालना चाहिए, फिर उसके बाद ठंडे पानी से बाल धोने चाहिए, जो कि प्रैक्टिकल नहीं है। ये इसलिए बोला जाता है कि अगर आप गर्म पानी डालेंगे तो आपके जो पोर्स हैं स्काल्प के वो ओपन हो जाएंगे और जो भी गुडनेस है उसमें लॉक हो जाएगी ठंडा पानी डालने से।
बट आई एम एडवाइजिंग टू यू कि आपको ना ही ज़्यादा गर्म पानी यूज़ करना है और ना ही ज़्यादा ठंडा पानी यूज़ करना है, आपको ल्यूक वार्म वाटर से हेयर वॉश करना है। अगर आप ज़्यादा गर्म पानी यूज़ करेंगे तो आपके जो बाल हैं बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाएंगे, क्योंकि उनका जो नेचुरल मॉइस्चर है वो गायब हो जाता है। और ठंडा पानी तो बात बनती ही नहीं है, क्योंकि ठंडा पानी तो सर्दियों में बहुत पेनफुल रहता है, तो आपको ल्यूक वार्म वाटर यूज़ करना है। हमने नॉर्मल नरिशमेंट की तो बात कर ली, अब बात आती है वीकली नरिशमेंट की। वीकली नरिशमेंट के लिए आपको हेयर पैक यूज़ करना पड़ेगा। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप 15 डेज में एक बार तो ज़रूर यूज़ कीजिए। और मैं आपको एडवाइस कर रही हूँ कि आप विंटर में आंवला हेयर मास्क यूज़ कीजिए, क्योंकि आंवला बहुत ही अमेजिंग रहता है हमारे बालों के लिए। उसकी बहुत अच्छी अच्छी गुडनेस रहती है हमारे हेयर के लिए, जैसे कि हेयर ग्रोथ को प्रमोट करता है, उसमें विटामिन सी होता है, एंटीऑक्सीडेंट होता है, प्लस वो प्रीमेच्योर ग्रे हेयर की प्रॉब्लम को भी ख़त्म कर देता है। और आंवला सर्दियों में बहुत ज़्यादा अवेलेबल रहता है, आसानी से आपको किसी भी सब्जी वाले की दुकान पर मिल जाएगा। तो चलिए देखते हैं कि कैसे बनाना है आंवला हेयर मास्क। आंवला आंवला आपको मोस्टली किसी भी सब्जी वाले के यहाँ आराम से मिल जाएंगे। मैंने यहाँ पे 5 से 6 आंवला लिया है। अपने हेयर लेंथ के अकॉर्डिंग आप इसकी क्वान्टिटी कम या ज़्यादा कर सकते हैं अपनी हेयर लेंथ के अकॉर्डिंग। सबसे पहले आपको इन आंवलों को छोटे छोटे पीसेज में कट कर लेना है, जैसे कि मैं कर रही हूँ। एंड मेक श्योर करें कि जब भी आप इसको यूज़ करें एक बार धो लें पहले आंवला को, उसके बाद कट करें। ये मैंने अच्छे से धो लिया था आंवला को और उसके बाद मैं इसको छोटे छोटे पीसेस में कट कर रही हूँ। सारे आंवले अच्छे से कट गए हैं। आपको इसको रफली ही चॉप करना है, क्योंकि एनीवे हम इसको ग्राइंड करने वाले हैं। अब मिक्सर ग्राइंडर की हेल्प से इसको मैं ग्राइंड कर लूँगी। अच्छे से ग्राइंड करते हुए आप इसमें थोड़ा बहुत पानी भी डाल सकते हैं, क्योंकि बाद में हमें इसका रस निकालना है। और आप देख सकते हैं ग्राइंड करने के बाद ये इस टाइप से पेस्ट जैसा बन गया है। अभी हम इसका रस निकालेंगे, या तो आप छलनी की हेल्प से इसका रस निकाल लें या फिर कॉटन के कपड़े में डाल के इसका रस निकालें। मैं छलनी की हेल्प से निकाल रही हूँ प्रेस करके। फ्रेंड्स आप देख सकते हैं आंवले का रस कितनी आसानी से निकल चुका है। अब इसमें हमें ऐड करना है 2 स्पून कोकोनट ऑयल एंड 1 स्पून कैस्टर ऑयल। इन तीनों चीज़ों को आपको अच्छे से मिक्स कर लेना है और ये परफेक्टली रेडी है यूज़ करने के लिए। फ्रेंड्स इस हेयर मास्क को आपको अपने स्काल्प पर और हेयर लेंथ पर अप्लाई करना है। इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि इसमें हमने सारे नेचुरल इंग्रेडिएंट यूज़ किए हैं। 30 मिनट रखने के बाद आप ल्यूक वार्म वाटर से हेयर वॉश कर सकते हैं। फ्रेंड्स विंटर सीजन में सोते हुए आपको बालों को कभी भी खुला नहीं रखना है, चाहे आपकी हेयर लेंथ इतनी हो या फिर इतनी हो। आप लूजली ब्रेड बना सकते हैं अपने बालों में। उसका रीज़न ये है कि विंटर सीजन में हम ब्लैंकेट यूज़ करते हैं, रजाई यूज़ करते हैं, एंड ब्लैंकेट और बालों के बीच में ना बहुत ज़्यादा फ्रिक्शन पैदा होता है, जिससे हेयर फॉल भी इंक्रीज होता है। तो आपको ध्यान रखना है विंटर सीजन में अपने बालों को हमेशा लूजली ब्रेड बनाकर ही आपको सोना है। आपको पता है सर्दियों में आपके जो बाल हैं उनका नेचुरल मॉइस्चर गायब हो जाता है, वो डल ड्राई डैमेज हो जाते हैं ड्यू टू वेदर कंडीशन। एट द सेम टाइम हमें पार्टी वेडिंग अटेंड करनी पड़ती है, क्योंकि सर्दियाँ जो होती है शादियों का सीज़न होती है, तो हम अपने बालों को ऐसे भी नहीं छोड़ सकते। अगर आपको किसी पार्टी या फंक्शन में जाना है ना, तो मैं आपको एडवाइस करूँगी आप डबल कंडीशनिंग प्रोसेस यूज़ करें। उसमें आपको क्या करना है, हेयर वॉश करते हुए आपको सबसे पहले 3/4 हेयर लेंथ पर कंडीशनर को अप्लाई करना है। उसको आपको छोड़ देना है 2 मिनट के बाद। फिर आप नॉर्मल पानी से उसको वॉश कर लीजिए। फिर आपको शैम्पू अप्लाई करना है अच्छे से, जैसे आप नॉर्मली शैम्पू करते हैं वैसे कर लीजिए। फिर उसके बाद आपको फिर से कंडीशनर लगाना है। इससे क्या होगा, आपके जो बाल है मोर मैनेजेबल बनेंगे, प्लस सिल्की स्मूथ शाइनी लगेंगे, और आप किसी भी पार्टी या फंक्शन में अपने बालों का जो जादू है वो बिखेर सकते हैं और कोई भी हेयर स्टाइल अपने बालों में बना सकते हैं। हम बताइए एक चीज़ के, आपको ऐसा लगता है कि आपके बालों को सुंदर दिखाने में, उनको मैनेजेबल दिखाने के लिए सिर्फ एक्सटर्नल फैक्टर काम करते हैं, जैसे कि ऑयलिंग हो गया, हेयर मास्क हो गया या फिर कोई भी शैम्पू हो गया? करते हैं, मैं मना नहीं करती,
पर कुछ इनटेक भी आपको लेना पड़ेगा ना, तो आपको अपनी डाइट में अच्छी अच्छी न्यूट्रिशन वैल्यू वाली चीज़ों को इंक्लूड करना पड़ेगा, जिसमें आपको विटामिन मिले, प्रोटीन मिले। और सर्दियों में तो खाने का मन करता है, गर्मियों में ऐसा होता है ना कि यार बहुत ज़्यादा गर्मी है, खाने का मन नहीं करता। तो सर्दियों में आप अपने खाने में दाल इंक्लूड कर सकते हैं, बादाम खा सकते हैं सुबह शाम, फ्लैक्सीड खा सकते हैं, और आंवला तो बहुत ज़्यादा मिलता है, तो आंवले का मुरब्बा या फिर कच्चा आंवला भी खा सकते हैं, जैसे भी आप कंफर्टेबल हो। अगर आप अच्छा इंटेक लेंगे तो मैं सच बोल रही हूँ कि आपको बालों की कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। एंड जितनी भी चीज़ मैंने आपको बताई है वो पर्सनली मैं अपनी डाइट में इंक्लूड करती हूँ। विंटर में आपको आपके बालों को प्रॉपर सुखाने की ज़रूरत होती है, गर्मियों में क्या ऐसे ही खुले छोड़ दो बाल सूख जाते हैं, पर विंटर में वेदर कंडीशन ऐसी होती है, धूप बहुत ज़्यादा कम निकलती है, तो हमारे बाल अच्छे से सूख नहीं पाते हैं। तो इसी तरीके से आप अपना डे प्लान कीजिए, जिस दिन आप अपने बालों की अच्छे से केयर कर पाए, जैसे कि संडे हो गया, संडे को बहुत सारे लोगों को टाइम रहता है, तो आप संडे को हेयर वॉश कर लीजिए, जल्दी कर लीजिए, और अपने बालों को खुला छोड़ दीजिए तब तक जब तक कि आपके बाल सूखे नहीं। अगर आप अपने बालों को गीला बांध लेंगे तो आपको स्प्लिट एंड की प्रॉब्लम हो सकती है, आपके बाल बहुत ज़्यादा गिर सकते हैं। तो ट्राई कीजिए सबसे पहले अपने बालों में से एक्सेस वाटर को रिमूव करना, और फिर आप उनको ऐसे ही खुला छोड़ सकते हैं, और कुछ टाइम बाद एक दो घंटे में आपके जो बाल हैं वो अच्छे से सूख जाएंगे, उसके बाद आप किसी भी तरीके से उनको सिक्योर कर सकते हैं। बहुत लोग सोचते हैं सर्दियाँ हैं बाल धोने की क्या ज़रूरत है, ऐसी गलत फहमी बिल्कुल मत पालिएगा। आप को सर्दियों में भी कम से कम वीक में दो बार हेयर वॉश करना है, और हेयर वॉश के लिए आप किस टाइप का शैम्पू यूज़ करें, आप अपने स्काल्प के अकॉर्डिंग शैम्पू को परचेज कर सकते हैं, उनको सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपका ऑयली स्काल्प है तो आप शैम्पू का डिस्क्रिप्शन अच्छे से रीड कीजिए, उस पर लिखा रहता है कि दिस शैम्पू फॉर ऑयली स्काल्प और ड्राई स्काल्प, उस तरीके से आप विदाउट पैराबिन और सल्फेट वाला शैम्पू यूज़ कर सकते हैं फॉर योर हेयर। And that's it for the video. I have tried to explain all point very clearly. If you have further doubt, तो आप मेरे से comment section में पूछ सकते हैं, और you can reach out to me on Instagram. वहाँ पर जो भी genuine DM रहते हैं उनको मैं ज़रूर reply करती हूँ। अगर आपको ये video पसंद आई है तो please इसको एक like कर दीजिए, videos को share कीजिए, भूलिएगा मत share कीजिए, and channel को subscribe कीजिए। अगर आप channel को subscribe करेंगे तो हम बार बार मिलेंगे, और bell icon को भी press कर देना। Bye bye.